सब ने अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया। तीन ही आर्टिस्ट लोग हैं, माइंड ब्रेक लोगों को पकड़ के रखे हैं। नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, ये बहुत बढ़िया काम है, ये अलग केस। और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम सब दूर हो जाएंगे, तो ये प्ले बहुत ज़रूरी है और 11 जून को हो रहा है। जो लेखक, डायरेक्टर, एक्टर ऑल्सो सौम्य जोशी, ही हैज केप्ट इट सो शार्प एंड इट इज, इस पे फिल्म 100% बनी थी। इनफैक्ट मैं तो बोला सौम्य को, मैं मिली थी उनको पीछे बैकस्टेज में, और मैंने बोला सौम्य दिस सच अ गुड फिल्म, ये तो फिल्म बननी चाहिए। गुजराती में भी हुआ था और हिंदी में आ रहा है, एंड मैं समझता हूँ कि आपको झंझोड़ के रख देगा ये ड्रामा। और फैमिली में जो खास खास बातें होती हैं और इम्पोर्टेंट थिंग्स, इम्पोर्टेंट ऐसे इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से गलत फहमी में ज़िंदगी गुजर जाती है, ऐसे लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। वेलकम जिंदगी, बहुत अच्छे आर्टिस्ट, कमाल का काम किया, सब ने अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया। तीन ही आर्टिस्ट लोग हैं, माइंड ब्रेक लोगों को पकड़ के रखे हैं, बेहतरीन स्क्रिप्ट, बेहतरीन डायरेक्शन, वंडरफुल एक्ट्रेस, बेहतरीन प्ले। बिल्कुल आनी चाहिए, बननी चाहिए, एक सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा मैसेज है, समाज के लिए बेहतरीन फिल्म। नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, ये बहुत बढ़िया काम है, ये अलग के है, बहुत अच्छा। हम लोग भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, मैं अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। बहुत ही अच्छा थॉट है इस प्ले के अंदर, और आई डोंट थिंक आजकल ऐसे प्लेज हैं जहाँ पर आपको इतना अच्छा मैसेज दे मिलता है, तो मैं रेकमेंड करूँगी ये प्ले की फैमिलीज प्लीज़ आकर देखिएगा। बहुत ही प्यारी कहानी है मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, और आज हम एज ए फैमिली आए हैं तो बहुत ज़्यादा हमने इन्जॉय किया इस चीज़ को, हम रिलेट कर पाए बहुत सारी चीज़ें। मैं वही कह रहा था कि बाप और बेटे की कहानी है, और डैड के साथ आया हूँ प्ले देखने, तो मुझे लगता है हर बाप बेटे को, बाप बेटी को आना चाहिए, घर के सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम सब दूर हो जाएंगे, तो ये प्ले बहुत ज़रूरी है और 11 जून को हो रहा है। फिर से बोल दोबारा, मुंबई के अंदर, मुंबई में हर एक को देखनी चाहिए ये प्ले। अरे बिल्कुल 100% फिल्म आनी चाहिए, बननी चाहिए, प्लेस से इंस्पायर्ड बहुत सारी फिल्में आ चुकी हैं, तो ये कहानी इतनी स्पेशल है कि अगर फिल्म बन जाए इस पे तो बहुत लोगों तक पहुंच पाएगी ये कहानी, ये मैसेज, तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। डेफिनेटली फिल्म आनी चाहिए, बहुत बिल्कुल आनी चाहिए, और हर घर की कहानी है, तो मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी रिलेट करेगा अपने माँ बाप और ये वो जो इमोशनल फैमिली इश्यूज है वो सब इस प्ले में हमने देखा आज, तो ज़रूर। और उमेश जी तो अमेजिंग डायरेक्टर है, वो तो एक्सपर्ट है प्लेस को फिल्मों में कन्वर्ट करने में, तो अमेजिंग है, और बहुत गुड चांस दैट आ सकती है, बन सकती है, 100% है। थैंक यू। मतलब एकदम ही बेहतरीन नाटक है, हमने गुजराती में देखा था 10 साल पहले, एंड हिंदी का जो ट्रांसलेट किया गया है, जो काम किया गया है एक्टरों ने, जो काम किया है, इट्स जस्ट अमेजिंग कि वो जो ह्यूमर है, वो पैथोस है, एकदम बढ़िया ट्रांसलेट होता है। और सबसे इम्प्रेसिव चीज़ इसमें यह है कि जो लेखक, डायरेक्टर, एक्टर ऑल्सो सौम्य जोशी, ही हैज़ केप्ट इट सो शार्प एंड इट इज़ स्टिल पोएटिक, मतलब द क्राफ्ट इज विजिबल, लेकिन इसमें धड़कता हुआ दिल भी है, तो बहुत बहुत कमाल का नाटक है, मतलब ये तो चार बार देखने लायक नाटक है, बेहतरीन, सवाल ही नहीं है। ऑफकोर्स अभी आप देखिए 102 नॉट आउट जैसा जो जिसका फिल्म बना था, एंड इट जस्ट रियली वर्कड, आई थिंक दिस वर्क्स, ये स्टोरी का फाउंडेशन ही इतना कड़क है कि ऑफकोर्स इट शुड मोस्ट डेफिनेटली बी सीन एज अ फिल्म, लेकिन टू सी दिस ऑन स्टेज हैज इट्स ओन जॉय ऑल्सो, तो इसको स्टेज पे तो डेफिनेटली डिस्कवर करना ही चाहिए। जी जी, थैंक यू सो मच। जी 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 जी
जी तो आशा है, अभी तो शूटिंग तो बड़ी दूर की बात होती है, पहले तो डेवलप होगा सेकंड सीजन का स्क्रिप्ट और आगे बात चलेंगी, तो आई होप कि हो, हम सब चाहते हैं कि हम बना पाए, अगर होगा तो बड़ा मजा आएगा। जी 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 हाँ, तो अभी एक अमेज़ॉन का एक शो आ रहा है और एक पिक्चर जो लिखी है जियो सिनेमा पे आ रही है, और बाकी थिएटर का भी काम करते हैं, तो अब एंड ऑफ मे में यहीं पे एक्चुअली हमारे शोज़ हैं, इंग्लिश नाटक है एज बीज इन हनी ड्राउन करके, और एक जो नाटक लिखा है वो भी जून में आ जाएगा, तो काफ़ी सारा काम एक साथ ही आ रहा है। जी जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अरे बाप रे मुझे बहुत 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 अच्छी लगी, और सौम्या जोशी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरी जो वेब सीरीज आई थी फाडू ऑन सोनी लिव उनके राइटर है वो, और वो वैसे ही तभी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी लाइनें लिखी थी, और अब ये वाली जो प्ले है आई थिंक एवरी child, every father, every mother, सबको देखना चाहिए, because it's a relationship story, and सौम्या जोशी जिस तरह से लिखते हैं और जो छोटी छोटी insights हैं उसको एक दो घंटे के play में दिखाना और बिना कोई कट के और एक शॉट में करना, क्योंकि ये फीचर फिल्म नहीं है जहाँ पे आप कट बोल सकते हैं बाद में एडिट कर सकते हैं, पर उस इंटेंसिटी से जो आप बात करते हो और जो इमोशंस लेके आते हो and the responses jab audience taliya bajati hai, and that is the most outstanding thing, so I feel everyone should watch this play, or it's going to come soon on next month again in Andrews, aur mujhe lagta hai ki sabko dekhni chahiye, and I just only wish Jigna, Soumya all the best, or just keep, and I want to keep working with Soumya, so yes, it's only a lot of love for him, yeah. इस पे फिल्म 100% बननी चाहिए, इनफैक्ट मैं तो बोला सौम्या को, मैं मिली थी उनको पीछे बैक स्टेज में, और मैंने बोला सौम्या दिस सच अ गुड फिल्म, ये तो फिल्म बननी चाहिए। देर आर फ्यू अनाउंसमेंट्स, तरला हमारी जो फिल्म है वो आएगी सून, और बस करो आंटी है सिड रॉय कपूर और रॉनी स्क्रूवाला के साथ, और बवाल आएगी नितेश की फिल्म जो साजिद सर के साथ बना रहे हम, तो एंड मेरी खुद की थोड़ी फिल्म है जो मैं अनाउंस करूंगी सून, बट अभी फिलहाल वी शुड एंजॉय दिस प्ले एंड जस्ट विश ऑल ऑफ देम ऑल द बेस्ट, और मुझे लगता है कि वी शुड एंकरेज राइटर्स एंड डायरेक्टर्स लाइक सौम्या जोशी टू कीप क्रिएटिंग न्यू आइडियाज़, बिकॉज उसकी हमें बहुत बहुत ज़रूरत है। वेलकम जिंदगी है कि मैं पहली बार देखा है ये प्ले, और एक बात दिल पर लगी, जो टाइटल है वेलकम जिंदगी, उसे वाकई वेलकम किया जाता है। सौम्या की परफॉर्मेंस, सौम्या जी ने कमाल निर्देशन किया उसका, अपार्ट फ्रॉम द डायलॉग्स, साथ में जिगना जी उनके साथ और उनके बेटे बैंकर, शुरुआत से लेकर अंत तक, खास करके वो जो एंड का मोनोलॉग आता है और वो बारिश का सीक्वेंस आता है, और फिर जब उनकी पत्नी कहती है कि जो आप बातें कह रहे थे वो मैंने फ़ोन ऑन कर दिया था और आपके बेटे ने सुन लिया था, उसका बेटे का वहाँ आना फूलों का गुलदस्ता लेकर, और फिर वो सेलिब्रेट करते हैं, वो कमाल की जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में बातें होती हैं वो मुझे नज़र आई, और एक परिवार का प्यार, पिता का प्यार अपने बेटे के साथ, पत्नी का प्यार अपने पति के साथ, ये सब देखकर आंखें भर आई, बहुत ही अच्छा लगा। आई वुड रिकमेंड दिस प्ले टू एवरीबॉडी, देखिए बहुत पसंद आएगा। शो के नेपथ्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शो के नेपथ्य, जो स्टेज वगैरह डिजाइन किया था बहुत अच्छा, बल्कि एंड की लाइन तो बहुत ही अच्छी लगी उनकी, जब वो कहने लगे कि भैया सब लोग आइए स्प्रेड द वर्ड अराउंड, ये बड़ा प्रोडक्शन एक्सपेंसिव होता है, देखिए बारिश का लाना, वो एक जगह पर प्रोडक्शन वैल्यूज इतने नजर आते हैं, वो बाथरूम का सिंक, वो बाथरूम में जाना, वो किचन, वो घंटी की बातें, शुरुआत देखो अब क्या प्ले शुरू होता है कि एक पत्नी किस तरह अपने पति को तैयार करती है वो काम पर जाए, वो ट्रेन का पूरा सिक्वेंस कि कितने धक्के खाता है वो आदमी, कहाँ से जिंदगी शुरू हुई, पिता अपने बेटे को नहीं समझ पा रहा, बेटे अपने बाप को नहीं समझ, पिता को नहीं समझ पा रहा, पत्नियों के बीच में
जूझ रही है, कितनी चीजें हैं, कितना सौम्या जी की जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने ये लिखा भी है, परफॉर्म भी किया, डायरेक्ट भी किया, कमाल की बात है। और प्रोडक्शन वैल्यूज आर फैंटास्टिक, हर चीज। मैं प्रोड्यूसर को भी नमन करना चाहता हूँ, परफॉर्मर्स को भी, और जितने भी लोग इसके आगे और पीछे हैं, यानी कि मेकअप आर्टिस्ट, लाइटिंग एक्सपर्ट्स, सबको नमन करना चाहता हूँ। आई लव द प्ले। थैंक यू। मैंने ये गुजराती प्ले तकरीबन 10 साल पहले देखा था, एंड आई एम शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि हिंदी लैंग्वेज में भी ये इतना ही शार्प, इतना ही फ्रेश और इतना ही एंटरटेनिंग है। इट्स अ पावर पैक परफॉर्मेंस, ब्रिलियंट राइटिंग, एंड इट्स आउटस्टैंडिंग। इट्स अ मस्ट वॉच प्ले। प्लीज डू वॉच इट, एंड स्पेशली फादर एंड सन ड्यूओ, यू हैव टू गो टुगेदर एंड यू हैव टू वॉच दिस प्ले। बात करें अगर सर कैरेक्टर की, तो आपको सबसे ज्यादा कैरेक्टर कौन सा पसंद आया तीनों में? It's very tough, but I would say Soumya sir's character is brilliant, because the way he suppresses the pain and his frustration, which he wants to speak, because as a father you never get a chance to express, because majority of the father, they always suppress their emotions. They can never tell their son that I love you, I care for you, and I have care for you, and I have always loved you. It is a very tough job to be a father, and he has played that character brilliantly. Brilliant. Super. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Hello, sir. Hello. Sir, welcome, Zindagi. बहुत बेहतरीन ड्रामा है। इस गुजराती में भी हुआ था और हिंदी में आ रहा है, एंड मैं समझता हूँ कि आपको झंझोड़ के रख देगा ये ड्रामा, सोचने पे मजबूर करेगा। बेहतरीन प्ले है, इतना इमोशनली आदमी चार्ज हो जाता है कि ज़्यादा बोलना मुनासिब नहीं है। और ये डिस्प्ले आपको देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए। सर अगर बात करूँ कलाकारों की, तो आपको कलाकारों का परफॉर्मेंस देखकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।